हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देवभूमि अयोध्या तथा यहाँ के वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सरयू नदी के तट पर बसा 12 दुजन लंबाई और 3 दुजन चौड़ाई में अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को राजा मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध में हराया न जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। भगवान श्री रामचंद्र ने भी इसी भूमि पर अवतार लिया। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानम पुर्योध्या। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त दूसरी अमरावती के समान अयोध्या नगरी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट में अयोध्या का सर्व प्रमुख तीर्थ स्थान श्री राम जन्मभूमि है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल रूप दर्शन यहां होते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहां का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं की प्रमुख तीर्थस्थली के रूप में जाना जाता है। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी और द्वारका शामिल है। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री वेनसांग ने भी अयोध्या के मंदिरों का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। आइए अब जानते हैं यहाँ की ऐसी प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जिनके बारे में शायद आप न जानते हों। नंबर 1, अखिल कुमार। भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार का जन्म अयोध्या जिले में 27 मार्च 1981 को हुआ। महज 13 साल की उम्र में इन्होंने मुक्केबाजी शुरू कर दी और वे ओपन गार्डेड मुक्केबाजी शैली में पारंगत हैं। सन 2005 में कुमार ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 4th राष्ट्रमंडल संघ मुक्केबाजी मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के बोंगानी महालेंगू को 18-17 के अंतर से हराया था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल तक गए। 2005 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 2, अख्तरीबाई फैजाबादी। मल्लिकाए गजल के खिताब से सम्मानित बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को अयोध्या के भरत कुंड में हुआ। वो बेगम अख्तरी के नाम से मशहूर भारतीय गायिका थीं, जिन्हें दादरा, ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी। इन्होंने सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों की फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्हें कला के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1968 में पद्मश्री तथा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1972 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ। वर्ष 2007 में फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स के लिए एक मॉडल के रूप में उन्हें पहला ब्रेक मिला और फिर मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई चली गईं। 2008 में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया। वर्ष 2013 में उन्हें फिल्म जब तक है जान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तथा 2017 में फिल्म सुल्तान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर 4, इंदु जैन। भारत की दूसरी अरबपति महिला इंदु जैन का जन्म 8 सितंबर 1936 को अयोध्या में हुआ। वो भारत के बड़े मीडिया ग्रुप बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, जो टाइम्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है, की चेयरपर्सन है। फोर्स मैगजीन के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 11,400 करोड़ रुपए है और भारत के अरबपतियों में उनका 29वां स्थान है। भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन, जो साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजती है, उसकी चेयरपर्सन है। इन्हें वर्ष 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 5, रामकृष्ण सिन्हा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण सिन्हा का जन्म 1 सितंबर 1920 को अयोध्या में हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1938 से 1942 के बीच 2 बार जेल भी गए। 1945 में उन्हें यूपी स्टूडेंट्स कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने अयोध्या सीट से चुनाव जीतकर 4थी और 5वीं लोकसभा में जिले का प्रतिनिधित्व किया। 1969 में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। नंबर 6,
ब्रिज नारायण चकबस्त। प्रसिद्ध उर्दू कवि पंडित चकबस्त का जन्म 19 जनवरी 1882 को अयोध्या में हुआ। ये 1907 में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सफल वकील हुए। इनकी रचना रामायण का एक सीन एक लंबी नज्म है, जिसमें वनवास जाने से पहले राम जी अपनी माँ से मिलने आते हैं। इसके अतिरिक्त सुबह वतन, खाके हिंद और गुलजारे नसीम भी इनकी मशहूर गजलें और नज्में हैं। ये समाज सुधारक थे और सदैव सेवा कार्यों में सन्नद्ध रहा करते थे। पद्य के सिवा गद्य भी इन्होंने बहुत लिखा है, जो मुजामिन चकबस्त में संग्रहित है। नंबर 7, कुंवर नारायण। प्रसिद्ध भारतीय कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को अयोध्या में हुआ। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, पर इसके अलावा इन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच एवं अन्य कलाओं पर भी बखूबी लेखनी चलाई है। इन्हें वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा वर्ष 2009 में पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। नंबर 8, मीर अनीस। मशहूर उर्दू कवि और शायर मीर बाबर अली अनीस का जन्म 1803 में अवध के अयोध्या जिले में एक अदबी घराने में हुआ। ये फारसी, हिंदी, अरबी और संस्कृत भाषा में अपनी शायरी लिखते थे। वो ऐसे फकीर शायर थे जो बादशाहों की भी खातिर नहीं करते थे। मीर अनीस उर्दू शायरी के उस दौर में हुए थे जब गजलों का झंडा चहुं ओर बुलंद था। नंबर 9, गिरीश बिहारी सक्सेना। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और यूपी पुलिस के महानिदेशक रहे डॉक्टर गिरीश बिहारी सक्सेना का जन्म 5 मार्च 1938 को अयोध्या में हुआ। 1961 में वे आईपीएस बने और 1995 से 1996 तक यूपी पुलिस के महानिदेशक रहे। उन्हें पुलिस विभाग में सफल प्रयोगों के लिए राष्ट्रपति से पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया तथा वे यूपी के राज्यपाल से मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 10, अरुणिमा सिन्हा। भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को हुआ। वर्ष 2011 में उनके साथ एक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें उनके पैर कट गए, परंतु उनके आंसुओं ने और कमजोर बनाने के बजाय उन्हें और अधिक प्रोत्साहन दिया और विकलांग होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च चोटी पर चढ़ी। वर्ष 2015 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर 11, अभिषेक चौबे। भारतीय फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक अभिषेक चौबे का जन्म 30 मार्च 1977 को अयोध्या में हुआ। वह हिंदी सिनेमा में फिल्म इश्किया के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत विशाल भारद्वाज के साथ बतौर एसोसिएट डायरेक्टर एवं सह लेखक फिल्म मकड़ी से की थी। ये उस समय चर्चा में आए जब इन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब बनाई। वर्ष 2019 में फिल्म फेयर अवार्ड में इनकी फिल्म सोन चिड़िया को बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड मिला। नंबर 12, पूजा बत्रा। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अयोध्या जिले में हुआ। ये वर्ष 1993 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीत चुकी हैं। पूजा ने अपने कैरियर की शुरुआत 1995 में तमिल फिल्म से की। इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम फिल्म विश्व विधाता से रखा। इन्होंने भारत और विदेशों में 250 से अधिक फैशन शो के लिए रैंप वॉक किया। इन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हसीना मान जाएगी, कहीं प्यार ना हो जाए, नायक, तलाश, ABCD2 और मिरर गेम। नंबर 13, बशीर बद्र। उर्दू भाषा कवि व शायर डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1936 को अयोध्या जिले में हुआ। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर है। डॉक्टर बशीर बद्र कई सालों से देश के ऐसे मशहूर शायरों में शुमार हैं, जिसने लोगों की दिलों की धड़कन को अपनी शायरी में उतारा है। इन्होंने उर्दू गजल को एक नया लहजा दिया। साहित्य में इनके योगदान के लिए 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नंबर 14, लावण्या त्रिपाठी। तेलुगु फिल्म अभिनेत्री और मॉडल लावण्या त्रिपाठी का जन्म 15 दिसंबर 1990 को अयोध्या में हुआ। इन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और वर्ष 2006 में मिस उत्तराखंड बनी। ये मुख्य रूप से तेलुगु भाषा में बनी फिल्मों में काम करती हैं और वर्ष 2012 में बनी अंडला राक्षसी इनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। नंबर 15, रविकांत। सर्जरी के विख्यात प्रोफेसर रविकांत का जन्म 14 सितंबर 1956 को अयोध्या में हुआ। वे 2007 से 2021 तक उत्तराखंड में एम्स के डायरेक्टर रहे तथा 2014 से 2017 तक किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री तथा यश भारती अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में उन्हें डॉक्टर बीसी राय अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 16, तारिक कुमार खान। भारतीय फिल्म निर्माता तारिक खान का जन्म 12 सितंबर 1976 को अयोध्या में हुआ। वो एक प्रोडक्शन डिजाइनर, कला निर्देशक और फिल्म निर्देशक भी हैं, जो बॉलीवुड में काम करते हैं। उनकी फिल्म द गुड रोड को 86वें
अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। नंबर 17 कर्णेश शर्मा। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर कर्णेश शर्मा का जन्म अयोध्या जिले में हुआ। इन्होंने अपनी बहन अनुष्का शर्मा के साथ मिलकर क्लीन स्लिट प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिसके तहत एनेस्टेन, पाताल लोक और बुलबुल जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ है और दोनों का प्रोडक्शन हाउस अपने बेहतरीन कंटेंट के लिए जाना जाता है। नंबर 18 दिवाकर द्विवेदी। प्रसिद्ध अवधी लोक गीत गायक दिवाकर द्विवेदी का जन्म अयोध्या जिले के सुहावल कस्बे में 20 नवंबर को हुआ। फैंटास्टिक दुल्हनिया इनकी चर्चित फिल्मों में शुमार है। लोक गीत गायक के साथ ये एक अभिनेता भी हैं और वर्तमान में इन्हें अयोध्या जिले की शान भी कहा जाता है। नंबर 19 निवेदिता तिवारी। भारतीय फिल्म एक्ट्रेस निवेदिता तिवारी का जन्म 24 नवंबर 1985 को अयोध्या में हुआ। निवेदिता ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में टीवी शो उम्मीद का नया चेहरा से की। इसके बाद वह कई टीवी शोज में नजर आई, जिनमें मैं घर घर खेली, राम मिला है जोड़ी, लाखों में एक तथा ये है आशिकी आदि टीवी शोज शामिल है। नंबर 20 एस आर चिश्ती। मशहूर तबला वादक साहबुर रहमान चिश्ती का जन्म 5 जून 1965 को अयोध्या में हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वे म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हैं। इन्होंने तबला बजाने की कला के ऊपर कई किताबें भी लिखी, जिनमें फने तबला पहली ऐसी किताब थी। दोस्तों आइए अब चर्चा करते हैं फैजाबाद के नाम से जाने जाने वाले अयोध्या जिले की कुछ राजनीतिक हस्तियों के बारे में। नंबर 21 लल्लू सिंह। भारतीय राजनीतिज्ञ लल्लू सिंह का जन्म 1 नवंबर 1954 को अयोध्या जिले के शहादतगंज में हुआ। 2014 से 2019 तक वे यूपी के अयोध्या सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। इसके पहले वे 1991 से 2012 तक लगातार अयोध्या विधानसभा से विधायक चुने गए। वह कमजोर वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान में रुचि रखते हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 22 निर्मल खत्री। दिग्गज नेता निर्मल खत्री का जन्म 4 जनवरी 1951 को अयोध्या में हुआ। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वे 8वीं और 15वीं लोकसभा चुनाव जीतकर अयोध्या के सांसद बने। इसके पहले 1980 का यूपी विधानसभा चुनाव अयोध्या सीट से लड़े और जीतकर विधानसभा पहुंचे व मंत्री भी बनाए गए। नंबर 23 बृजभूषण मणि त्रिपाठी। राज्य के चर्चित राजनेता बृजभूषण मणि त्रिपाठी का जन्म 10 जनवरी 1941 को अयोध्या में हुआ। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अयोध्या के सबसे कम उम्र के ब्लॉक प्रमुख बनने से की। वह कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रहे, बाद में 1996 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। नंबर 24 मित्रसेन यादव। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मित्रसेन यादव का जन्म 11 जुलाई 1934 को अयोध्या जिले के भीतरी में हुआ। वे 3 बार सांसद और 5 बार विधायक रहे हैं। 1977 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और सपा बसपा दोनों पार्टियों में रह चुके हैं। आपको यह भी बताते चलें कि उन साल 1972 में कांग्रेसी नेता कमलापत त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हत्या के आरोप में सजा काट रहे मित्रसेन की माफी की अपील की और इन्हें जीवनदान भी दिलाया। नंबर 25 खब्बू तिवारी। प्रदेश के बाहुबली विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी का जन्म अयोध्या में हुआ। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में की। 2007 में इन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा पर हार गए। 2012 में फिर गोसाईगंज से लड़े और हारे। अंततः 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्हें विधायक बनने का मौका मिला। नंबर 26 अभय सिंह। दबंग नेता व विधायक रहे अभय सिंह का जन्म सन 1973 में अयोध्या में हुआ। ये उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश की गोसाईगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। दोस्तों ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी हेतु आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।